कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राम टंडन ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैलियों का आगाज कर दिया है जो कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर होती है। इसी प्रकार सारी पार्टियों की रैलियां करने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि शीघ्र अतिशीघ्र ही आचार संहिता लागू हो जाएगी या चुनावी रैलियां जनता का वोट डेवलप करने के लिए की जाती है। जिस प्रकार प्रदेश के मुखिया योगी जी ने पार्टी की योजनाओं का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है, ठीक उसी तरह गठबंधन को भी चुनावी रैलियां करनी चाहिए, जिससे कि जनता का मन गठबंधन की ओर बन जाएगा। मैं लोकसभा चुनाव में गठबंधन केंद्र में अपनी सरकार इस बार बनाएंगे, क्योंकि इस बार जनता जनार्दन ने अपना पूरा मन बना लिया है कि इस बार अपना अमूल्य वोट जनता गठबंधन प्रत्याशियों को देगी, जिससे कि आगामी लोकसभा चुनाव में गठबंधन केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उब चुकी है, क्योंकि धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। और हमें आज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी रैलियों को स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर कि इस इनकी रैलियों से किस तरह का प्रभाव जो है वो पड़ेगा लोकसभा के इलेक्शन पे? मुख्यमंत्री की प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चुनाव की घोषणा शीघ्र होने वाली है, आचार संहिता से पहले ये जैसे अभी आगरा में मेट्रो का उद्घाटन हुआ और तमाम योजनाओं का आगरा के अंदर लोकार्पण किया गया, तो चुनाव से पहले ये जनता को आकर्षित करने के लिए प्रलोभन और अपने प्रति जनता का रुझान लाने के लिए ये रैलियां कर रहे हैं। और इनका अधिकार है हर आदमी का, वो अपने पक्ष में माहौल बनाए। तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी आदित्य योगी जी अगर अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं तो उसमें कोई क्या कह सकता है, उसमें टीका टिप्पणी करने का अधिकार भी नहीं है किसी को। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारा वोट बैंक एक हमारा खुद का वोट बैंक है, लेकिन इस चुनाव वाले माहौल के अंदर किस तरह से ये लोग अपने वोट बैंक को चाह देंगे? हाँ, ये बात सही है कि इनका एक वोट बैंक है, जो धर्म के नाम पर ये वोट प्राप्त करते हैं, जाति के नाम पर ये वोट प्राप्त करते हैं, तो इनका जो एजेंडा है वो अपने एजेंडे को जनता के बीच में ला रहा है। मोहब्बत की नगरी आगरा के अंदर लोकसभा की हैं दो सीटें, एक फतेहपुर सीकरी और एक आगरा शहरी, तो इस इन दोनों सीटों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इन रैलियों का? क्या मुख्यमंत्री रैली करते हुए आगरा से भी गुजरेंगे? मुख्यमंत्री जी अभी आगरा दो बार होके गए और मैं समझता हूँ कि अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, आचार संहिता लगने को है, उससे पूर्व जितना ज्यादा इनको जनता को आकर्षित करने का अवसर मिलेगा, जनता को प्रलोभन देने का अवसर मिलेगा, वो निश्चित रूप से देंगे। लुभावनी योजनाओं देकर जनता का वोट हासिल करना, क्या ये एक पॉलिटिकल पार्टी को चुभत देता है? आगामी अपनी योजनाओं को वो किस तरीके से लागू करेंगे ये इस तरीके से सामने रखते हैं। अब चुनाव में तो लोग कह देते हैं कि 15-15 लाख रुपए लोग व्यक्ति को मिलेंगे, माननीय मोदी जी ने कहा 2014 में, और तमाम ऐसी घोषणाएं प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई, लेकिन आज तक उन पर खड़े नहीं उतरे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इनका जाति का वोट, धर्म का वोट वो इनके पास है। धार्मिक भावनाओं से खेलकर वोट को पाना, क्या ये पॉलिटिक्स में अनिवार्य है? हमारे नेता राहुल गांधी जिस तरीके से पद यात्रा करके उन्होंने जम्मू से लेकर कश्मीर तक लोगों के अंदर नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा दिया, और आज जिस तरीके से वो न्याय यात्रा लेकर के चल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जनता
निर्णय लेगी। और जिस तरीके से किसानों का शोषण हुआ, बेरोजगारी हुई, महंगाई बढ़ी, तो जनता देखेगी। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन इस 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से अपने आप को साबित करेगी जनता की निगाह में? जनता की निगाह में अपने काम बताएगी। और क्योंकि हम तो पिछले 10 साल से विपक्ष के अंदर है, और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है, और आज जिस तरीके से उनके चारों स्तंभों में वो जिस तरीके से उन्होंने कब्जा कर लिया है एक तरीके से, तो जनता इसको देख रही है। और जनता जब बदलती है अपना निर्णय तो बड़े बड़े लोग धराशायी हो जाते हैं। माना जाए कि इस बार जनता सोच समझकर अपना कीमती वोट करेगी? नहीं, जनता से तो यही उम्मीद की जा रही है, और देखते हैं आगे आने वाला भविष्य बताएगा। उम्मीद तो यही है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए।